मेरा नाम जहर अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है, जिसका टॉपिक आज का है एक्सरसाइज 1.2। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में 9th क्लास मैथमेटिक्स के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, आप उस फोल्डर में जाके मेरे तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिर भी मैं इस प्रीवियस लेक्चर के तमाम लिंक्स को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 अहम एक्सरसाइज है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला नहीं लिया हुआ तो आप पहले वो लें, क्योंकि जब तक आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता नहीं होगा कि मैट्रिक्स कितनी किस्म के होते हैं तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो उस लेक्चर का लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने सबसे बताना है कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। हमने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल वैल्यूज 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो। उसके बाद हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो और नल मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज 0 हो। तो इसका पहला पार्ट हमारे पास जो आ रहा है ए, हमारे पास है 0 0 0 0, मैंने आपको बताया कि एक मैट्रिक्स एक से ज्यादा टाइप पे भी मुश्तमिल हो सकता है। अब ये देखिए इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनता है। अब चूंकि इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं लिहाजा इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये ए हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। इसी के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं बी पे, 2 3 4। इसमें देखिए हमारे पास कितनी रोज है, एक ही रो है, एक ही रो है जिसमें एक ही रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स। इसके बाद सी वाले पे आए हमारे पास 4 0 6। 4 0 6 के अंदर देखें एक ही कॉलम है हमारे पास तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास डी पे आ जाए 1 0 0 1। 1 0 0 1 अगर आप गौर से देखें इसके डायगोनल वैल्यूज क्या हमारे पास 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। तो मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल वैल्यूज 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, तो लिहाजा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ई 0, अब इसमें रोज और कॉलम्स बराबर हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है, इसमें एक ही रो है रो मैट्रिक्स ही बनता है, एक ही कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स ही बनता है। अब चूंकि इसके तमाम एंट्रीज 0 है तो लिहाजा नल मैट्रिक्स ही बनेगा। और वैसे भी उस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के मुतालिक पूछा नहीं गया हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स को तो हम इस ऑप्शन में से निकाल ही देंगे, तो फिलहाल इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। ये नल मैट्रिक्स है, एफ प्योरली एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसका जस्ट एक ही कॉलम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के मतलब मैंने अभी आपको बताया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो वो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी इसको डिस्कस किया। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी प्रीवियस देखा यूनिट मैट्रिक्स का अदर नेम है, यूनिट मैट्रिक्स को ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहती है जिसकी डायगोनल वैल्यूज 1 और नॉन डायगोनल 0 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 हो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो देखते हैं सबसे पहला हमारे पास पार्ट है -8, पहले मैं रोज पढ़ूंगा देन कॉलम, फर्स्ट रो फिर देन सेकंड रो, ठीक है रोज के हिसाब से पढ़ूंगा -8 2 7 12 0 4। अब जरा गौर से देखिएगा इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं,
अब इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो लिहाजा ही हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट पे आ जाए 3 0 1, हमारे पास इज प्योरली एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है इसके अंदर। 6 थर्ड पार्ट पे आ जाए 6 - 4 3 2, अब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बराबर है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 1। फोर्थ पार्ट है इसका, although इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर है लेकिन चूंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 है और नॉन डायगोनल 0 है तो लिहाजा इसको हम नल मैट्रिक्स को एम्बिट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। सॉरी, हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं वो कहेंगे। अब फोर्थ फिफ्थ पार्ट में आ जाए 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो लिहाजा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिक्स्थ पार्ट पर आ जाए तो 3 10 - 1, अब इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है, रो एक है कॉलम 3 है। मैंने हम बताया था आपको रो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट एक रो कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स होगा। सेवंथ पार्ट पे आ जाए 1 0 0 1 0 0 पे अगर आप देखें तो हमारे पास जस्ट एक कॉलम और बाकी 3 रोज है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो और जितनी मर्जी रोज हो कॉलम एक होगा तो वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। पार्ट नंबर 8 पर आ जाए तो 1 2 3 - 1 2 0 0 0 1, अब इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है हमारे पास, और मैंने आपको बताया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लिहाजा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और पार्ट नंबर 9 पे अगर आप आ जाए तो उसके तमाम मैट्रिक्स हमारे पास 0 है, ऑल्दो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन सकता है लेकिन चूंकि इसके तमाम मैट्रिक्स 0 है तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को भी मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी नाम दिया, यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ए पार्ट है हमारे पास, ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें डायगोनल आ गया, स्केलर आ गया, आइडेंटिटी आ गई, और मैंने कहा था डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हमारे पास टाइप्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे एक्सटेंशन है तो लिहाजा वहां से ही निकले गई है। अब देखते हैं पहले 4 0 0 4, अब इसकी डायगोनल वैल्यूज में देखें 4 4 है सिमिलर वैल्यूज है और नॉन डायगोनल 0 है, अब जिसकी डायगोनल वैल्यूज सिमिलर हो एक जैसी हो और नॉन डायगोनल 0 हो और 1 ना हो, क्या पढ़ा था हमने उसके बारे में, हमने पढ़ा था वो एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, तो जिसकी डायगोनल वैल्यूज हमारे पास सेम हो लेकिन 1 ना हो और नॉन डायगोनल 0 हो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। बी पे आ जाए तो 2 0 0 - 1, अब इसकी डायगोनल वैल्यूज देखें नॉन जीरो है और नॉन डायगोनल हमारे पास 0 है और डायगोनल वैल्यूज हमारे पास सेम भी नहीं है, डिफरेंट है, तो हमने क्या पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट हो और नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल 0 हो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। सी पार्ट पे आ जाए 1 0 0 1, अब इसकी डायगोनल वैल्यूज देखें 1 है और सेम है और नॉन डायगोनल 0 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं वो हो। डी वाले पार्ट पे आ जाए, डी पे है 3 0 0 0, अब इसकी नॉन डायगोनल्स के अंदर देखिए नॉन डायगोनल्स के अंदर 0 है ठीक है यहां तक तो बात क्लियर है, डायगोनल्स के अंदर भी एक 0 आ रहा है लेकिन एक 0 आ रहा है सारे एलिमेंट्स तो 0 नहीं है ना, 3 तो नॉन 0 है ना हमारे पास तो लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर होगा। इसके बाद आ जाए ई पे 5 - 3, जो 5 - 3 जो कि 2 होता है, 5 - 3 0 0 और 1 + 1 2, अब 5 में से 3 को माइनस करने क्या होता है हमारे पास 2 होता है 0 0, ओके और 1 + 1 2, तो वहां से डायगोनल वैल्यूज में क्या बनते हैं हमारे पास 2 2 और नॉन डायगोनल में क्या बनना हमारे पास 0, अब जिसकी डायगोनल वैल्यू सिमिलर हो और 1 ना हो नॉन डायगोनल 0 हो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है वो एक स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।